आंशिक कोरोना कर्फ्यू का पुलिस कड़ाई से पालन करवा रही है, जिसको लेकर प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग कर कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो सड़कों पर आवागमन जारी है, सिर्फ दुकानें बंद हैं, लेकिन जनता बेपरवाह होकर सड़कों पर घूम रही है। कोरोना कर्फ्यू के संबंध में SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने बताया कि आंशिक कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए महानगर के विभिन्न चौराहों पर कैमरा लगा हुआ है तथा PA सिस्टम से लोगों को लॉकडाउन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अनावश्यक निकल रहे लोगों के वाहनों की चेकिंग की जा रही है तथा संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उनके वाहनों का चालान तथा जुर्माना वसूला जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो लोग आंशिक कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा, लॉकडाउन का अनुपालन के संबंध में सभी जो है जितने भी हमारे चौराहे हैं और ITMS के जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ हमारा PA सिस्टम भी है, उनके माध्यम से सभी को बार बार जो है अवगत कराया जा रहा है PA सिस्टम के माध्यम से, और साथ ही साथ चेकिंग भी कराई जा रही है, जिससे कि सही तरीके से लॉकडाउन का जो है पालन हो सके और जो लॉकडाउन का उल्लंघन का जो है करते पाए जाएंगे उनके विरुद्ध जो कोविड गाइडलाइंस हैं, वो महामारी अधिनियम है और MB एक्ट है, उनके तहत विधिक कार्रवाई भी की जा रही है और उनके विरुद्ध जो है ई चालान की भी कार्रवाई और ट्रैफिक चालान और महामारी अधिनियम के संबंध में जो है भी कार्रवाई की जा रही है।